हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। वेल बहुत हो गई हमारी ट्रैवल व्लॉग्स, ट्रैवल वीडियोज, नैनीताल घूमना, तो अब वो सबसे बाहर आके हम आते हैं मेकअप ट्यूटोरियल्स पे। वेल लेट्स कम बैक टूडे हियर टू दिस ब्यूटिफुल लुक विच इज गोइंग टू बी अबाउट अ वेरी ब्यूटिफुल इंडियन फेस्टिव लुक। This is going to be the final outcome and मैंने कोशिश ये करी है कि इस मेकअप वीडियो में, इस मेकअप ट्यूटोरियल में पूरा जो लुक है मैं बहुत ग्लॉसी ड्यूई रखूँ, थोड़ा हाईलाइटर ऐड किया ताकि जो फेस्टिव लुक्स हैं उसमें हम थोड़ा सा शाइनी शाइनी और ग्लॉसी ग्लॉसी रखें मेकअप को, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। डेफिनेटली फेस्टिवल्स हमारा शाइन, ब्राइट, लाइट, इन सब के बारे में होते हैं। सो यस, अब कोई और टाइम नहीं लेते हैं आपका, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विथ, सबसे पहले हम मॉइस्चराइज करते हैं बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर। ये मॉइस्चराइजर आपने मेरी बाकी वीडियोस में भी देखा होगा बहुत बारी एंड आई एम यूजिंग द सेम। सो इसको जल्दी से ले लेते हैं और अपने फेस पे लगा देते हैं। सो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आई विल स्टार्ट विद माय आईब्रोज एंड फॉर द आईब्रोज आई एम फर्स्ट टेकिंग दिस एंगुलर ब्रश। इट्स अ डुअल ब्रश MBM02 बाय द मस्क इंडिया। So I'm using this palette, BH Cosmetic Glam Reflection Palette, and इस palette में से मैं निकाल के और ये brown color use करूँगी। So I'm using this color. और हम start करेंगे eyebrows fill करना। So as you can see, मैंने eyebrows कर लिए हैं। I've kept them very natural, not too dramatic and not too fake looking. बहुत ही natural, subtle लग रही हैं क्योंकि जो मैंने color pick किया था वो बहुत ही natural है जो कि मेरे eyebrow, मेरे hair color से मिलता जुलता है। So you also have to pick a color which is quite similar to your hair color if you want to keep it very natural. तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, हम इसको और कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर आपको eyebrow की प्रॉपर एप्लीकेशन चाहिए कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट को कौन सा पिक करना है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और उसको देखिए, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आई मेकअप के लिए। सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज आई एम टेकिंग दिस टार्ट शेप टेप कंसीलर इन द शेड लाइट मीडियम सैंड। This is one of my favorite concealers, guys. And इसको मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ अपने eyelids पे। And अब मैं use कर रही हूँ अपने fingers इसे blend करने के लिए। और अगर आपको ऐसा फील हो दैट अभी ये ठीक तरीके से ब्लेंड नहीं हुआ है तो आप एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा इसके ऊपर डैप कर देती हूँ, ये हल्का सा डैम्प है। तो अब हमने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट विद द आई मेकअप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। So for the eyeshadow, I am going to use this palette today. This is You Can Be Fruit Pie Filling Palette. And reason being, मेरे को थोड़ा सा brown color चाहिए अपने eye makeup में और थोड़ा सा neon pink color चाहिए। तो आप palette पे देखो, इसमें neon pink color भी है और browns भी है और हल्का सा ब्लैक भी है, हल्का सा क्या, ब्लैक कलर भी है। तो बेसिकली ये वन इन ऑल पैलेट मेरे को बहुत काम आने वाली है। तो आई एम गोना यूज दिस पैलेट टुडे फॉर माय आई मेकअप, स्टार्टिंग विद टेकिंग दिस ब्यूटीफुल नियॉन पिंक कलर हियर। सो मैं ये थोड़ा सा कलर ले लेती हूँ यहाँ पे, सो डस्ट कर लेते हैं। और मैं कौन सा ब्रश यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग दिस कोड नंबर 7 MBM07 ब्रश फ्रॉम द मस्क इंडिया। इट्स अ वेरी नाइस फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। और कलर लेके मैं सबसे पहले इसे डिपॉजिट करूंगी अपने आउटर कॉर्नर पे, क्रीज लाइन के ऊपर। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, अपने पैलेट में से एक ब्राउन कलर पिक करूंगी। तो आई एम गोना पिक मे बी दिस कलर, इस कलर का नाम है कोकोनट। इट्स अ वेरी नाइस ट्रंक ब्राउन कलर।
सो आई एम टेकन द प्रोडक्ट एंड नाउ आई एम पुटिंग ऑन द सेम पॉइंट. बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अब क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना, हमें नीचे ही रहना है. तो अब हम सिर्फ क्रीज लाइन के नीचे ही इस प्रोडक्ट को डिपॉजिट करते हैं एंड नॉट अबव द क्रीज लाइन. कोशिश हमारी ये रहेगी, हल्का सा अगर ऊपर चला जा रहा है तो दैट्स फाइन, बट ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, फिर से थोड़ा सा डार्क कलर लेना है मुझे, इससे थोड़ा सा डार्क. तो मैं इस ब्राउन को इस ब्लैक कलर के साथ मिक्स करके लगाऊंगी और अब मुझे और ज्यादा प्रिसाइज रहना है और मुझे और ज्यादा क्रीज लाइन के नीचे ही रहना है, क्रॉस नहीं करना. तो अब मैं बिल्कुल अपर लैश लाइन के ऊपर ऊपर इस कलर को डिपॉजिट करते हुए और पूरे क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर दूंगी. सो आज हम एक पूरा आई कंप्लीट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे दिखेगा ये. तो नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपना टार्ट शेप टेप कंसीलर जो मैंने पहले आईलिड्स पे डिपॉजिट किया था, तो मैं इस कंसीलर को अपने ब्रश में डाल रही हूँ और इस ब्रश का कोड है 03 MBM 03. और थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने अपने ब्रश में डाल दिया है. और मैं अपना ब्रश क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये इनर कॉर्नर्स पे डालना है. अगर मैं अपने फिंगर्स से करूँगी तो थोड़ा सा मेसी हो सकता है, तो अब मैं इसको यहाँ डालूँगी क्रीज लाइन के नीचे. तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करा सकते हैं हम. और नेक्स्ट मैं क्या करूंगी कि मैं एक और आई शेडो ब्रश ले रही हूँ, एक डिफरेंट आई शेडो ब्रश, एंड इसमें मैं कुछ इससे मिलता जुलता मैट कलर ले लेती हूँ ताकि ये जो क्रीम कंसीलर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डाला है वो ब्लॉक हो जाए, क्योंकि हम पाउडर यूज करते हैं क्रीम को ब्लॉक करने के लिए. सो अब हमारा आई मेकअप कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट इट्स नॉट येट कम्प्लीट. अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा अपना ब्लेंडिंग ब्रश जो मैंने पहले यूज किया था उसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से ब्लेंड कर दूंगी, सो दैट जो मैंने क्रीज क्रिएट किया है वो थोड़ा और इंटेंस हो जाए बेसिकली. नेक्स्ट मैं इसके ऊपर एक जेल आईलाइनर लगाऊंगी. तो मैंने जेल आईलाइनर अपना आईलाइनर ब्रश में लेके और इसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सी कोट दूंगी लाइनर की. तो मैंने अपना 01 आईलाइनर ब्रश लिया है और एक जेल आईलाइनर पेंसिल ली है. तो इसका प्रोडक्ट मैंने अपने ब्रश में लिया एंड अब इसको प्रिसाइजली अपने अपर लैश लाइन पे लगाऊंगी. तो मैंने एक ब्यूटीफुल सा आईलाइनर दे दिया है. आफ्टर दिस स्टेप हम लोग आईलाइनर के ऊपर एक ग्लिटर लाइनर का कोट देंगे एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो हमने एक दूसरा आईलाइनर क्लीन ब्रश ले लिया है एंड हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्टिकल, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेंगे एंड वील पुट इट ऑन द ब्रश हेयर लाइक दिस एंड वील पुट दिस एज अ लिक्विड लाइनर अबव द ब्लैक आईलाइनर. तो जो ब्लैक आईलाइनर हमने लगाया है उसके ऊपर इसे लगाते हैं. सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. अगर बाय चांस आपका जो ब्लैक आईलाइनर है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, जो कि हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप अपना प्रीवियस वाला लाइनर ब्रश लेके उसे क्लीन भी कर सकते हैं. तो मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देती हूँ जस्ट लाइक दिस. सो ये परफेक्ट लग रहा है अभी एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस एज यू कैन सी. तो अब ये जो सेम आई मेकअप है हम इस आई पे भी रिपीट करते हैं क्विकली, सारे सेम स्टेप्स रहेंगे. सो हमने सेकेंड आई पे भी वी हैव पुट द मैट आई शेडोज. नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पुटिंग द शेप टेप कंसीलर. आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको यही वाला यूज करना है. और इसको हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके और कहाँ पुट करना है, इनर कॉर्नर से लेके हमारे इनर क्रीज, हाफ वे क्रीज तक. सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे
एंड देन इसके बाद हम जल्दी से एक आई लाइनर की कोट इस पे लगाएंगे. सो लेट्स टेक द आई लाइनर नाउ. नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप फॉर द आई मेकअप वॉज टू पुट अ लिक्विड ग्लिटर eyeliner above this black eyeliner. So I'm taking my clean eyeliner brush, a separate eyeliner brush, taking the product, and now I'm putting it over the black liner. So let's start from the outside. Okay. And it looks very very classy you guys. Bilkul bhi over nahi lagta kyunki festival hai. Iska matlab ye nahi hai ki hum shaadi jaisa ready ho jaye. सटल भी रहे एंड कंफर्टेबल भी रहे हमारे मेकअप से. सो वी हैव कंप्लीटेड द आई मेकअप एंड जो भी फॉल आउट हुआ था वो हमने एक वेट वाइप से क्लीन कर लिया. देन आई री मॉइस्चराइज माई फेस यूजिंग द सेम मॉइस्चराइजर बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर जो कि हमने स्टार्टिंग में यूज किया था. नाउ कम्स द टाइम ऑफ द प्राइमर. वेल प्राइमर आई एम गोना यूज दिस वन बेका बैकलाइट प्राइमिंग फिल्टर बिकॉज दिस प्राइमर हैज गॉट इल्यूमिनेशन इन इटसेल्फ. तो हम इसमें हमें ऑफ कोर्स फेस्टिव लुक में थोड़ा सा हमारी स्किन को ड्यूई ग्लॉसी बनाना है. तो आप ऐसा प्राइमर कोशिश करें कि आप ऐसा प्राइमर पिक करें जिसमें थोड़ा सा इल्यूमिनेटर एडेड हो. तो अगर मैं इस प्राइमर को अपने हैंड पे डालती हूँ तो इसमें थोड़ी सी शाइन ऑलरेडी है. तो हम इसको लेते हैं एंड इसको अपने फेस पे पुट करते हैं. एंड दिस अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, वन ऑफ माई फेवरेट प्राइमर्स. सो हमारी प्राइमिंग हो गई है. नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलिंग. सो फॉर कंसीलिंग आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉरएवर 52 स्पॉटलाइट करेक्टर पैलेट. कलर पिक करें तो आप कंसीलर का वो कलर पिक करें जो कि आपकी स्किन टोन से एटलीस्ट 2 to 3 टोन्स डार्कर है. तो इसमें मैं देख सकती हूँ दैट ये और ये कुछ कलर्स हैं जो कि डार्क हैं. सो आई एम गोना पिक दिस वन. एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है दैट आई यूज माय फिंगर्स यूजिंग अ कंसीलर. आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं कंसीलर ब्रश, बट मुझे फिंगर्स यूज़ करना बहुत पसंद है क्योंकि बेस मैजिकली ब्लेंड हो जाता है. सो स्पेशली व्हेन आई डू इट फॉर माय सेल्फ आई यूज माय फिंगर्स फॉर कंसीलिंग. सो आई एम गोना पुट इट ऑन माय डार्कर एरियाज जो मेरे डार्क सर्कल्स स्टैंड आउट होते हैं. मैं उस पर थोड़ा सा कंसीलर करूंगी. सो आई एम गोना पुट इट हियर. If you have dark circles, if you have pigmentation, if you have any acne scars, और आप concealing करके उसको hide करने की कोशिश करोगे तो definitely concealer is going to work. So concealing is super important. Otherwise कई बार क्या होता है हमारा कोई face का area जो है that turns out little grey or darker after we do the whole makeup. आधे घंटे बाद थोड़ा सा odd लगने लगता है. But आप concealing करोगे तो ऐसा कोई problem नहीं आएगा. तो don't forget to use a concealer. सो आगे बढ़ते हैं. हमने कंसीलिंग कर दी एंड आज हम फाउंडेशन लगाएंगे. कौन सा? Dior Skin Forever Undercover. सो ये फाउंडेशन है जो कि हम आज यूज करेंगे एंड दिस वन इज इन द शेड 010 एंड लेट्स पुट दिस ऑन द फेस. सो हमने ये फाउंडेशन पूरे फेस पे लगा दिया है. इसे हमें प्रॉपरली ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग के लिए मैं सेम अपना डैम्प स्पॉन्ज कर रही हूँ. And this is how it's turning out, as you can see. So मैंने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा दिया बट मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ. मुझे थोड़ी सी और कवरेज चाहिए. सो मैं उस कवरेज के लिए अपना टार्ट शेप टेप कंसीलर दोबारा से लूंगी बट दिस टाइम आई एम यूजिंग लाइट मीडियम शेड एंड आई एम गोना ओनली पुट इट अंडर माय आईज बिकॉज इतना काम करते करते जो आईज हैं हम उनको रेस्ट देना भूल जाते हैं. तो थोड़ा सा हम अंडर आईज और हल्का सा यहाँ लगा देते हैं सो दैट आप इस स्टेप के बाद देखोगे कि आपका जो फेस है वो कम्प्लीटली फ्रेश फील करेगा. सो नेक्स्ट मैंने लिया है डी लैंसी लिप पैलेट एंड यूजिंग दिस लिप पैलेट आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू डू माई लिपस्टिक बट आई एम गोना डू माई कंटूर एंड माई ब्लश. तो मैं कंटूरिंग के लिए थोड़ा सा ये ब्राउन कलर ले लेती हूँ एंड हल्का सा मैं यहाँ डाल दूंगी एंड
इसको भी मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रोल नहीं कर रहे हैं हम, बिकॉज यू गाइस नो आई डोंट लाइक टू डू अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रोल. बहुत सॉफ्ट कॉन्ट्रोल रखते हैं, बस नोज पे नहीं करते हैं. एंड इसी से ही हम ब्लश भी करते हैं. अब ब्लश के लिए हम थोड़ा सा पिंकी पिंकी लेंगे, क्योंकि हमारे आउटफिट में थोड़ा सा पिंकी पिंकी कलर है. स्माइल कलर कर स्माइल करेंगे एंड वील पुट इट हियर ऑन द एप्पल ऑफ द चीक्स. Now let's start blending it. जो मैंने थोड़ा सा nose पे भी लगा दिया है, so I'll blend this first, then this. And to blend this now, I'm gonna use my blender. इससे ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम इसको यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे. आगे हम करते हैं लिपस्टिक, ये आपकी चॉइस है. इफ़ यू वांट टू कीप लिपस्टिक वेरी सटल, आप सॉफ्टर शेड लगाइए. अगर आप फेस्टिवल्स पे थोड़ा सा ब्राइटर साइड पे जाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू. हाउएवर मुझसे पूछो तो अभी आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टिक टूवर्ड्स अ लिटिल पिंकिश न्यूड, बिकॉज वैसा ही हमने आई मेकअप भी रखा है. सो आई एम गोना जस्ट एड this color with this color and use my lipstick brush number 05 to do my lipstick. Most, you know, I love lip palettes because they are the most convenient way to change your lipstick color. Yeah, so humne overall look kar liya hai. See, it's up to you. Agar aap lashes lagana chah rahe ho festivals pe, mujhe thoda uncomfortable lagta hai, to hum lashes ko uski kami pura karne ke liye hum thoda sa mascara zarur karenge. So I am going to use this mascara today. This is the Light Camera Lashes Mascara by Tarte and this is one of the best mascaras. So I'm going to use this one and oh my god, कितना difference दिखता है. और मैंने हर बार की तरह अपने eyelids पे भी थोड़ा सा mascara लगा दिया, but that's fine, हम उसको ठीक कर सकते हैं. अगर आपने मेरी previous videos देखी है तो आपको पता है कि इसको ठीक कैसे करते हैं. अगर देखी है तो बताइए कैसे ठीक करते हैं. तो let's put it here also. Because हमने decide किया था starting में कि ये एक बहुत ही ड्यूई और ग्लॉसी मेकअप लुक होने वाला है, तो हम हाइलाइटिंग नहीं स्किप कर सकते. सो फॉर हाइलाइटिंग आई एम गोना यूज़ दिस पैलेट विच इज़ बाय अनस्ताजिया बिवली हिल, ओरोरा पैलेट, ओरोरा ग्लो किट. एंड आउट ऑफ दिस पैलेट आई एम गोइंग टू पिक दिस एंड दिस कलर. एंड द ब्रश दैट आई एम यूजिंग इज कोड नंबर MBM16 ब्रश. इट्स अ फ्लफी हाईलाइटर ब्रश एंड इसको हम यहाँ लगाएंगे. हाइलाइटर आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली योर कॉल कि आपको कैसा हाइलाइटर पसंद है. मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है एंड आई थिंक जितना लगाया है उतना मोर देन परफेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम. वन मोर थिंग गाइज, आई फॉरगॉट टू पुट माई इयर रिंग्स ऑन, सो लेट्स पुट दीज ऑन एंड शो यू द फाइनल लुक. सो येस, फाइनली अब ये लुक कम्प्लीट हो गया है. That you guys enjoyed and आपको इस festive makeup tutorial से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. And I just can't wait for you guys to try this look. Definitely दिवाली आने वाली, जो भी आपके get togethers होने वाले हैं, आप इस पर try करिए ये and let me know in the comment section. And अभी तक if you're not subscribed to my channel, don't forget to subscribe it. Just like this video and also hit the bell icon so that आने वाले videos के बारे में आपको सारे updates मिले. Trust me, मैंने बहुत सारी planning करी हुई है. और हाँ, एक और चीज़ आपसे पूछनी है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप क्या सोच रहे हो कि मुझे next video किसके बारे में बतानी चाहिए. So आप मुझे ज़रूर comment section में बताना so that मैं उसके बारे में पूरी planning करूँ और आपके लिए next video वो लेकर आऊँ. Thank you so much guys, love you all. You'll be here.